आज माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 14 फरवरी 2022 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के प्रसाद का आनंद लेते हुए वैष्णवों के यह दृश्य आज श्रृंगार के समय के हैं। स्थल प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर के बाजार हैं। संदर्भ यह है कि माघ शुक्ल पूर्णिमा को होली दांडा रोपनी का उत्सव है, जिसके साथ ही होली की धमार भी प्रारंभ हो जाएगी। इस पर एक विशेष प्रस्तुति हम कल प्रस्तुत करेंगे। आज के इन दृश्यों को प्रस्तुत करने का संदर्भ यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के तहत लगाई गई लगभग सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। एक तरह से राजस्थान अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट यानी कि वैक्सीन लगे हुए होने का प्रमाण पत्र उसकी प्रति आपके साथ लेकर आएं। और कोई अन्य पाबंदी अब नहीं रह गई है, यह सलाह अवश्य दी जाती है कि मास्क लगा कर रखें और भीड़ में संभव हो तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाल ही में प्रदान की गई इस ढील के कारण सप्ताहांत के दौरान और आज भी प्रभु श्री जी के दर्शनों के लिए वैष्णवों का उमड़ना जारी है। एक और सूचना भी है कि अब शीतकाल लगभग विदा होने की कगार पर है। ठंड बहुत हल्की है। सुबह शाम अवश्य हल्के गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ रही है। और जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें श्री जी का प्रसाद लिए हुए वैष्णव आपको दृश्यमान हैं। इसके साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ी है, खरीददारी भी बढ़ी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैष्णवों की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, जबकि यह श्रृंगार के दर्शनों का समय है। नाथद्वारा के बाजारों में विशेषकर मंदिर मार्ग पर मिलने वाली कुछ विशिष्ट वस्तुओं की खरीददारी भी बढ़ी है, जिनमें मिट्टी के बर्तन, प्रभु की सेवार्थ मिट्टी के तोतिया आदि तथा इमिटेशन ज्वेलरी आदि पर भी ग्राहकों को देखा जा सकता है खरीदारी करते हुए। अतः यदि आपके पास समय हो तो श्री जी की नगरी में आइए, यहाँ प्रभु के दर्शन कीजिए, होली वसंत की धमार का आनंद लीजिए, यहाँ के व्यंजनों का लुप्त लीजिए और खरीदारी कीजिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। मलय समी मधुका
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री जी को सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है। आइए इसी भावना के प्रभु के दर्शन करते हैं, जिसके तहत साज सज्जा में आज सफेद रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिस पर गुलाल चंदन से खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। सम्मुख में दो जड़ाऊ पड़गा जी धरे जाते हैं, जिसमें से एक पर बंटा जी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं तथा दूसरे पर झारी जी पर धराई जाती है। धरती पर त्रिष्टि धरी जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु लाल लट्ठा के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं केसरी मलमल का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं, तो प्रभु को आज मोजा जी लाल रंग के धराए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि की टिपकियों से कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। अब श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का फागुन का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण कंठहार, बाजूबंद, हस्तसाखला, पोची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि मीणा के जड़ाऊ धराए जाते हैं। श्री जी के श्रीमस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो केसरी रंग के दुमाला के ऊपर मीणा का सहरा एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। सेहरा पर मीना की चोटी जी दाईं ओर धराई जाती है। आज प्रभु को त्रवल की जगह स्वर्ण की चंपा कली श्रीकंठ में धराई जाती है। इसके अलावा श्रीकंठ में कस्तूरी कली एवं कमलमाला जी भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को दो गुंजा माला के साथ लाल, सफेद एवं पीले पुष्पों की विविध पुष्पों पत्तियों की सुंदर थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी एवं लहरिया के वेणु जी धराए जाते हैं, तो कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में नूपुर, पेंजनिया आदि भी मीणा की जड़ाऊ मिलवा धराए जाते हैं। तो खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटचीड़ का एवं गोटी फागुन की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत दिखाई जाती है। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार श्रीकंठ के बड़े कर दिए जाते हैं तथा दुमाला रहता है, लेकिन आज लूम दुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में आज मंगला में सहज प्रीत गोपाले भावे, राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ देखो राधा माधो सरस जोर, देखो राधा माधो वन विहार तथा नंद के द्वारे, आरती में गिरधर लाल रस भरे खेलत, शयन में मधुरत वृंदावन आनंद, मान के पद में आज बन्यो है बसंत तथा पोड़ने के पद में खेलत खेलत पौड़ी श्री राधे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग रोगाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रभु में वसंतोत्सव मनाया जा रहा है, अतः राजभोग के दर्शन में प्रभु के सन्मुख गुलाल उड़ाई जाती है, तो दर्शन करने वाले वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जाती है। सायंकालीन भोग दर्शन के भोग में प्रभु को खेल के भोग अरोगाए जाते हैं, जिसमें सूखा मेवा तथा फलों की अधिकता रहती है। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज शरण की जय। श्री राम।
विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखो वृंदावन को सहस्त्र मुख लहेन अंत जाको गावे नारद से अनंत गुण सो तो हो जाके कोटिक ब्रह्मा कोटि इंद्र जाके जाके कोटिक रवि कोटि चंद्र जाके रहे हार जाको ताको सकल गोपी मिल देत गार ताको सकल गोपी मिल देत गार देखो वृंदा मुस्कन
बाजे राय गिड़ गिड़ी और चंग ऐसे मुरली दास प्रभु करे
नगरी आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।